न्यूज़पेपर को आपको ऐसे नहीं लेना है जैसे हम सब्जेक्ट्स को लेते हैं ठीक है आप चाय पी रहे हैं सपोज इन द मॉर्निंग स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर ठीक है यू विल बी कंफर्टेबल न्यूज़पेपर से पहले खुद को कंफर्टेबल करना जरूरी है बिकॉज न्यूज़पेपर को अगर आप बर्डन लोगे एज कॉमन सेड या एज अरेबा एज अरिबा सेड कि हम न्यूज पेपर को ऐसे नहीं पढ़ना है कि पेज वन है तो मैं पेज वन पूरा अंडरलाइन कर दूंगा नो दैट इज द रॉन्ग अप्रोच टेक न्यूज पेपर जैसे हमारे पेरेंट्स पढ़ते हैं ठीक है कि आपको पता है कि आप आज के दिन में आपको कौन सी न्यूज कवर करनी है एंड एज राइटली सेट सिलेबस इज दैट गाइडिंग लाइट सिलेबस इज द मैप कि आपको पहुंचना कैसे है ठीक है क्योंकि अगर आप रैंडमली न्यूज पढ़ने जाएंगे सो यू विल बी अप द होल डे विद द न्यूज ठीक है और आपको ये नहीं लगना चाहिए कि न्यूज ही आपका सोल सिलेबस है है ना न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो फिर अब तो ब्लंडर कर दिया मैंने

सो देर इोग्राम को ओपिनियन करके उनका भी आता है वो एनलाइज करते हैं न्यूज पेपर आप उससे कवर करो तो क्या होता है प्रोज एंड कॉन्स फॉर इट राइट इट डाउन तो वो आपका मेन्स आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करता है क्योंकि मेन्स आंसर राइटिंग में दे वॉन्ट टू सी की आप सोचते कैसे है अगर कोई भी लेट से रशिया यूक्रेन वॉर हाउ आर यू टेकिंग रशिया यूक्रेन वॉर राइट एंड रशिया यूक्रेन वॉर को आपको केवल इंडिया के रिस्पेक्ट में देखना है आवर कंट्री इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सी इन यूपीएससी इट इज ऑल अबाउट इंडिया ओके जो भी कुछ हो रहा है उस पर हमारी कंट्री पे क्या असर पड़ रहा है हमारी इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ रहा है हमारे जियो पोलिटिकल चीजों में क्या फर्क पड़ रहा है दिस इज वॉट न्यूज पेपर विल गिव एंड डोंट सब्सटीट्यूट न्यूज पेपर विद मैगजीन्स करंट अफेयर मैगजीन्स आई हैव सीन स्टूडेंट्स डूइंग दैट कि अच्छा न्यूज़पेपर स्किप कर देते हैं और मंथली मैगजीन ले आते हैं that newspaper has a no has no substitute and i would say uh, i would even pass a blank statement on this that uh, newspaper is the backbone of this exam it will tell you like where our country is going and what should be your opinion and where you need to have a hold on and uh, if I, I wish that you all become so lucky ki have interview stage tak bhi to interview me newspaper ke bina you are nothing बिकॉज उनका सोल जो बैकग्राउंड होता है जो उनका जो फाउंडेशन स्टोन होता है नो इट स्टार्ट्स विद दियर न्यूज ओनली दे वांट टू नो कि आप कैसे सोचते हैं तो वो न्यूज़पेपर से ही आएगा एंड एज अरिबा सेड कि uh, जो मैगजीन्स होती है ना वो बहुत बल्कि होती है उनमें इतने फैक्ट्स लोडेड होते हैं दैट योर माइंड विल बी फ्रस्टेटेड इवन इन माई मॉक इंटरव्यू लेट मी टेल यू पैनल मेम्बर ने मेरे सेम डे uh, की न्यूज़ पूछी थी द रिस्पेक्टेड पैनल मेम्बर एंड आई वॉज ब्लैंक बिकॉज वो मॉक के टाइम की इतनी स्ट्रेस था इतना टेंशन था कि मैंने उस दिन न्यूज पेपर ही स्किप कर दिया एंड आई वेंट टोटली ब्लैक देन आई रियलाइज कि न्यूज पेपर की क्या इम्पोर्टेंस होती है एंड मेन्स आंसर राइटिंग लेट मी टेल यू न्यूज पेपर के बिना इट्स वेरी हार्ड इट्स वेरी टफ क्योंकि एज आई सेट फैक्ट्स बहुत लोडेड होते हैं करंट अफेयर्स मैगजीन में यू विल मिस आउट ऑन दो बट अगर आपने न्यूज से लिखा है एंड इवन अगर आप नोट बना पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है बट नोट्स बनाने का भी न्यूज़पेपर से एक तरीका होता है ये नहीं कि आपने हेडलाइन लिख लिया और उसके सारे पॉइंट्स लिख रहे हैं नो ट्राई टू कम्प्लीटेड विथ योर सिलेबस जहाँ पर आपके नोट्स बन रहे हैं वहाँ से आपने न्यूज़पेपर से क्या डेटा उठाया है क्या फैक्ट्स उठाया है या कोई अपना व्यू फॉर्म करा है राइट इन फ्रंट ऑफ दैट नोट्स एंड एज वन ऑफ यू आस्ट कि क्या नोट्स बनाना जरूरी है पर्सनल एक्सपीरियंस यस क्योंकि वो क्विक रिविजन में बहुत काम करता है रिविजन इज़ द की इन दिस एग्जामिनेशन आप एग्जाम हॉल में हो ओपन बुक टेस्ट तो है नहीं है ना कि फ्लिप कर लिए पेजेस और लिख बट नोट्स बनाना जो है वो इंडिविजुल टू इंडिविजुल डिपेंड करता है आई है मेट विपल हु कम्प्लीटली रिलाई ऑन देयर नोट्स और ऐसे भी लोगों हैं जैसे कि मैं मैंने नोट्स बिल्कुल नहीं बनाए बिल्कुल भी मैं नोट्स नहीं बनाती थी और इनफैक्ट किसी भी सब्जेक्ट के मैं बहुत अच्छे से नोट्स मैं नहीं बनाती थी तो इट वाज़ ऑल के कहीं से ऐसे कंसाइज मटेरियल मिले जैसे एन तो वो अपने में नोट्स हैं एंड आई हैव सीन पीपल मेकिंग नोट्स ऑफ एन तो एन अपने में नोट्स हैं तो न्यूज़ uh, पेपर है आई यूज़ टू जस्ट एट द पॉइंट्स फॉर एक्जाम्पल देर इज़ अ फार्मर इशू गोइंग ऑन It was going on in March uh, during my interview. So, whatever the key points are there, I will just flip the pages of my agriculture wherever I have noted about agriculture and I will just add those two points, three points which are in the current or, or whatever the deal is going on between the government and the farmers, then I will just add those points. Okay, where the what, what is the way forward there? But remember that even if you are reading newspapers or any material for say, but you have to be the UPSC is taking you as an, as an agent of change you have to also come up with something new and innovative not just everybody is reading lakshmi Kant for polity everybody is new, reading hindu and indian express what's new and how the how will your selection be determined so you have to add something you know that x factor you have to add and that can only happen jabab analysis of एनालिसिस करके एक दो पॉइंट्स अगर आपने अपने न्यू दे दिए तो योर आंसर इज़ टेन ऑन टेन एंड यही ऐसा एग्जाम है जहाँ पे इट इज़ कस्टमाइज थिंग यू कस्टमाइज़ योर ओन प्रिपरेशन। राइट सो दिस इज हाउ यू गो हाँ मैं एग्री करती हूँ मैंने भी न्यूज़पेपर का सिर्फ जो नोट्स बनाए थे वो सिर्फ वैल्यू एडिशन के लिए मेरा ऐसा ही था कि जो मैं आंसर लिखूंगी उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है अदर पीपल से क्योंकि सेम रिसोर्सेस से सब रेफर कर रहे हैं सभी लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं सभी स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं सब सेम आंसर लिखेंगे तो अपना आंसर कैसे डिफरेंशिएट करें उसके लिए मैंने न्यूज़पेपर यूज़ किया था लाइक उसमें एग्जांपल्स आप पिक करिए बहुत अच्छे अच्छे कि कोई स्टेट ने कोई अच्छा इनिशिएटिव लिया है कोई डिस्ट्रिक्ट में है कोई डिस्ट्रिक किसी कलेक्टर का नाम आया है तो आप वो वाले अपने नोट्स में रेफर कर लीजिए कि हाँ मेरे को एग्जाम्पल्स लिखने हैं कोई रिपोर्ट का आई है कोई डाटा आया है तो वो इन्हांस करता है आपके आंसर्स को वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट भी करता है तो उसमें न्यूज़पेपर के नोट्स काफी हेल्प करेंगे एग्जामिनर को लगना चाहिए ना कि इस कॉपी में कुछ था राइट क्योंकि फोर्टीन फिफ्टीन थाउजेंड कॉपी चेक करना फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी टफ एंड दे गेट बोर्ड सब तो वही लिख रहे हैं हाउ कैन यू शाइन कि उनको लगे ये किसी में नहीं था ये इस नोटबुक में देन गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स सो दिस इज हाउ यू पिक थिंग्स